Hello and welcome back everyone. This is Mohammed Sahbaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. Welcome to a very new playlist of chemical calculation. माध्यमिक क्लास 10 फिजिकल साइंस के चैप्टर में केमिकल कैलकुलेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में बच्चों में मन में बहुत कंफ्यूजन है, तो इसके लिए हम लोगों ने ये पूरा प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। इस प्लेलिस्ट में आप टोटल देख पाएंगे 6 वीडियोस। अगर आप लोग इस प्लेलिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज आप इस गिवन टाइम ऑफ पीरियड पे चले जाइए और वहां से हमारा आज का चैप्टर डिस्कशन स्टार्ट होगा, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि क्या इस प्लेलिस्ट में होने वाले हैं। तो इस टोटल प्लेलिस्ट में टोटल 6 वीडियोस हैं। 6 वीडियोस में फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जो आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया, जिसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया जाएगा और ऊपर के आई बटन पे मिलेगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक्स के बारे में जान लिया था, कुछ केमिकल कैलकुलेशन इक्वेशन मैंने आपको प्रोवाइड किए थे। आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास के एंड में जाना था एक टाइप जो था मास रिलेशनशिप, यानी कि भार भार संबंधी इस तरह के कुछ केमिकल कैलकुलेशंस करेंगे पार्ट 2 में। फिर पार्ट 3 में से एडवांस करेंगे और एक टाइप है, पार्ट 4 में और एक टाइप है, पार्ट 5 जो है वो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि पार्ट 5 में मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, यानी जो भी हम लोगों ने पार्ट 2, 3, 4 में सीखा है उन सबको मिक्स करके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग पार्ट 5 में करेंगे। और पार्ट 6 जो होगा, जो इसका फाइनल पार्ट होगा, वो होगा माध्यमिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आप इन सबको देखना चाहते हैं तो पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और उसके बाद आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप कि मैं आपको पूरी बेसिक बात अच्छे से समझा पाया। तो ये होने वाला है आज का क्लास। चलिए सिंपली स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं आज के पूरे टॉपिक। अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग करने वाले हैं आज के क्लास में मास रिलेशनशिप, यानी भार भार संबंधी क्वेश्चंस। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस जो इस टाइप के क्वेश्चंस है उनको करते हैं। आज के क्लास में हम करेंगे 3 क्वेश्चंस और इन 3 क्वेश्चंस के बाद ये मास रिलेशनशिप यानी भार भार संबंधी मास रिलेशन यानी भार संबंधी इस तरह के जो क्वेश्चन हमारे पास है ये हम कंप्लीट कर लें। मैं फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने लेता हूं। स्क्रीन पे क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहता है 15.5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट के उसमें विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न पोटेशियम नाइट्राइट का द्रव्यमान ज्ञात करें। मीन्स you're going to have potassium nitrate of 15.5 grams, you're going to expand it thermally and after that you are going to get potassium nitrite. So previously it was potassium nitrate and finally you are going to get potassium nitrite. You have to calculate the mass. Question mein jo important hai wo ye samajhna hai ki hamare paas potassium nitrate hai, that is KNO3, and we are supposed to convert into potassium nitrite, that is KNO2. आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में ही बता दिया था कि इस तरह के चैप्टर्स में जब भी आप क्वेश्चंस को करेंगे सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो नाइट्रेट का नाइट्राइट में कन्वर्सन का जो केमिकल रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से है, 2KNO3 विल कन्वर्ट इनटू, सो वी आर गोइंग टू पुट इक्वल टू, क्योंकि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, KNO2 जो होगा वो ट्वाइस होगा प्लस ऑक्सीजन होगा यानी O2। ओके, आपको क्वेश्चन में ही डेटा में बता दिया गया है सबका एटॉमिक मास, जो कि पोटेशियम के केस में है 39, नाइट्रोजन के केस में है 14, ऑक्सीजन के केस में है 16। सो लेट अस डू द कैलकुलेशंस। हम लोगों को जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया था 15.5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट है, यानी ये 15.5 ग्राम है और नाइट्राइट के बारे में यानी इसके बारे में क्वेश्चन है, तो उससे पहले हम लोग लिखते हैं जो एटॉमिक मासेस हमारे पास प्रोवाइडेड है उसके बेसिस पे इसकी टोटल वैल्यू क्या निकल रही है। तो आप लोगों को पता है मैं के पोटेशियम की जगह पे लिखूंगा 39 प्लस, अब मैं नाइट्रोजन की जगह पे लिखता हूं, नाइट्रोजन की जगह पे 14 प्लस ऑक्सीजन कितना है, थ्राइस है, तो ऑक्सीजन है 16, उसे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो टोटल रिजल्ट आएगा इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड है बाहर। हम लोगों ने पिछले क्लास में यानी पार्ट 1 में इस बारे में देखा था, प्लीज उस वीडियो को जरूर देख के आए अगर आज का वीडियो करना चाह रहे तो। इसका टोटल कैलकुलेशन कीजिए, मैं टोटल कैलकुलेशन एक बार में आपको बता देता हूँ, रिजल्ट आने वाला है 202। ओके, यूनिट के बारे में मैं थोड़ा देर में डिस्कस करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनिट डिस्कशन। तो ये तीनों चीजें देखिए यहाँ पर मैंने पुट कर दी, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी करूंगा कि फिर हमारे पास, अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन हमें कैलकुलेट करना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ऑक्सीजन पे नहीं है, सिर्फ नाइट्राइट पे है, तो हम लोग उसी पे काम करते हैं। यहाँ पर दोबारा ये 39 होगा,
प्लस नाइट्रोजन को मैं दोबारा 14 पुट करूंगा, लेकिन ऑक्सीजन इस बार ट्वाइस है इसलिए 16 इंटू 2 होगा और टोटल रिजल्ट को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए एन मैंने यहां पुट किया और ओ मैंने यहां पुट किया, ये रिजल्ट कितना आने वाला है, तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आएगा 170। तो हम लोग देख रहे हैं कि 202 क्वांटिटी पे 170 निकल रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि आप केजी और ग्राम अपने नीड के हिसाब से पुट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन है वो बोला गया ना 15.5 ग्राम अगर नाइट्राइट दिया जाए, नाइट्रेट दिया जाए 15.5 ग्राम तो कितना नाइट्राइट निकलेगा, इस तरह से क्वेश्चन है ना, इसलिए इन क्वेश्चंस को भी आप ग्राम में ही पुट कर दो, क्योंकि अगर आप किलोग्राम में करोगे तो क्वांटिटी बहुत बड़ा फॉर्म होगा जो कि यूजलेस है, आपके लिए कोई खास लाभ नहीं होने वाला बल्कि कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, इसलिए आप इसको ग्राम में रखो। लेकिन यही अगर क्वेश्चन किलोग्राम में होता तो हम इसे किलोग्राम में करते, ओके इस बात को याद रखिएगा एग्जाम के दौरान। तो 202 ग्राम के रेस्पेक्ट में 170 ग्राम था, तो 15.5 ग्राम के रेस्पेक्ट में कितना होगा। बेसिक यूनिटरी मेथड के बारे में हम लोग सब जानते हैं, उस मेथड का इस्तेमाल करेंगे या फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कांसेप्ट को यूज करेंगे, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन करके फाइंड आउट करेंगे। वेरिएशन के वीडियो में ये सब हम लोगों ने सीख रखा हुआ है। शॉर्टकट में अगर बताऊं कि डायरेक्टली कैसे करना है तो रिमेंबर ये जो क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है, अगर मैं इसे कंसिडर कर लूं कि ये वैल्यू एक्स है तो एक्स का वैल्यू जो होगा, मैं ऑलवेज बता रहा हूं, ऑलवेज यही फॉर्मूला वर्क करेगा। यहां जो दिया गया है, जो वैल्यू दी गई है वो आपका उसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आपको पता है वो न्यूमरेटर हो जाएगा यानी 170, इसके रिस्पेक्ट में 202 जो होगा वो ये हो जाएगा इसका डिनोमिनेटर, यानी ये जो गिवन है आपको ये निकालना है ना, तो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, अगर यहां निकालना होता तो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, समझ गए, एक्स निकालना है तो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर 170 डिवाइडेड बाय 202 और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी गिवन है 15.5 गिवन है तो 15.5। अब आप लोगों को डेसिमल का ये कैलकुलेशन पता होगा कि डेसिमल हटाऊंगा तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा, एक जीरो कैंसिल कीजिए और रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस आप कंप्लीट कीजिए। जो भी क्वांटिटी आएगी, क्वेश्चन में ग्राम यूनिट चल रहा था इसलिए यूनिट आएगी ग्राम में और वो होगा आपका आंसर। कैलकुलेशन सारे स्टूडेंट कीजिए और मुझे आंसर कमेंट कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगता है और आपको लग रहा है कि आप लोग इन वीडियोस में कुछ सीख रहे हैं तो आंसर्स का कमेंट करना ना भूलें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, आज के क्लास में 3 एग्जाम्पल डिस्कशन होंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल डिस्कशन और एक होमवर्क देना हो चुका है, तो हम लोग अब सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जो चीजें हम लोगों ने सीखी ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है, चलिए इस क्वेश्चन में समझते हैं। हिंदी में क्वेश्चन कह देता हूं लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में लिख पाऊंगा इसलिए इंग्लिश में स्क्रीन पे दिखा देता हूं। कह रहा है कि H2SO4 आपके पास है, उसको कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाना है और 1.28 ग्राम कॉपर को कॉपर सल्फेट के साथ में परिवर्तित करना है। तो अगर आपके पास कॉपर 1.28 ग्राम है और उसको कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट करना है तो क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट की मात्रा और कितना एसिड लगेगा ये बताइए। ठीक है, तो यहां पर जो रिएक्शन है वो आपको समझना पड़ेगा। आपके पास H2SO4 है, ये आपकी एसिड है, आपको कॉपर दिया गया है और कन्वर्ट करना है कॉपर सल्फेट, तो इस पर बेस्ड जो केमिकल रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से है। आपके पास एक कॉपर और H2SO4 और आप बनाना चाहते हो कॉपर सल्फेट CuSO4 हो गया, और इसके साथ ऑलवेज याद रखिए कि वाटर फॉर्म होगा और सल्फर डाइऑक्साइड, ये है टोटल केमिकल रिएक्शन। अब इसे बैलेंस करते हैं कि यहां इक्वल टू होने वाला है क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट है, इक्वल टू में याद रखिए इन दोनों के बीच में प्लस होगा, इसके बीच में भी प्लस होगा और यहां भी एक प्लस होगा। ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। H2SO4 हमारे पास 2 यूनिट्स आने वाला है, इसके अलावा वाटर हमारे पास 2 यूनिट्स आने वाला है, आप चेक कर सकते हैं ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 क्वेश्चंस थे, पहला जो पार्ट है आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि पहले पार्ट में आपसे डिस्कस किया जा रहा है कितना कॉपर सल्फेट बनेगा, यानी इसके बारे में क्वेश्चन है कितना ये बनेगा। यहां आपको पता है कि आप 1.28 ग्राम कॉपर ले रहे हो, कॉपर कितना ले रहे हो 1.28 ग्राम, तो आपको साफ पता चल गया कि ये कितना बनेगा, ये फर्स्ट पार्ट है। चलिए हम लोग इसी को पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट के बारे में सोचेंगे। तो आपको सारे सब चीजों के जितने भी चीजें दी गई हैं, एटॉमिक मास चाहिए, सब मैं लिख देता हूं। जो कॉपर है वो 63.5 है, 63.5 हो गया, तो यहां तो और कोई कैलकुलेशन नहीं होना है, H2SO4 से कोई काम नहीं है, क्यूपिक सल्फेट से काम है हमारे पास। जो हमारे पास है CuSO4 यानी कि कॉपर, यहां पर हमारे पास है तो कॉपर के बदले मैं 63.5 लिखूंगा प्लस सल्फर का लिखूंगा, सल्फर का जो वैल्यू है वो है 32 प्लस आपको ऑक्सीजन के पता है 16 होता है, ये 4 यूनिट्स है तो इंटू 4 टोटल रिजल्ट। एक बार में कैलकुलेट करके मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, आप लोग बिल्कुल भी यूज ना करें क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है,
रिजल्ट आएगा 159.5 यूनिट में। अब याद रखिए क्वेश्चन में जब हम लोगों ने देखा तो बोला है कि कॉपर आपके पास 1.28 ग्राम है, कॉपर कितना है 1.28 ग्राम्स, और पूछ रहा है कॉपर सल्फेट कितना बनेगा, इसको एक्स कंसीडर कर लीजिए। अब आपको पता है सिंपली आप यहां पर ग्राम ग्राम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो दिया हुआ ग्राम में दिया। तो अगर इस एक्स की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, मैंने अभी आपको तरीका सिखाया था, जिसे निकालना है उसके ऊपर वाला न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, सो 159.5 डिवाइडेड बाय 63.5 और हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.28 और ये आपको रिजल्ट दे देगा। लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन में नोटिस किया, मैंने आपको जो बताया कि क्वेश्चन सिर्फ एक नहीं है, दो क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके साथ कंसीडर किया है। इस एग्जांपल नंबर 2 में हम लोग सिर्फ एक चीज नहीं समझने वाले हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बस इतने एक ही तरह के क्वेश्चन, ये मास मास इक्विवेलेंस में भी अलग तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उन्हीं के बारे में समझाने के लिए मैंने आपको ये सेकंड एग्जांपल दिया है। तो आप कहेंगे तो ये तो एग्जैक्टली फर्स्ट एग्जांपल के इक्वल था, क्या डिफरेंस है इसमें? इसमें जो डिफरेंस है वो है, चलिए अगले पार्ट को देखते हैं। बोल रहा है आपको कितना अम्ल यानी कितनी एसिड की रिक्वायरमेंट होगी, एसिड के बारे में पूछ रहा है। तो हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है कि 63.5 ग्राम हम लोगों ने लिया है कॉपर, जिससे कॉपर सल्फेट बन रहा है 159.5 ग्राम। इसे बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड लगेगा, ये कैलकुलेट कीजिए। बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है ना, बिल्कुल डिफरेंट। इसे बनाने के लिए यहां ये कितना बन रहा है इसे हम लोगों को पता पड़ना पड़ेगा। तो चलिए पता करते हैं, हाइड्रोजन आपको पता है 1 होता है, यहां 2 यूनिट्स है। सल्फर अभी मैंने आपको बताया 32 होता है। ऑक्सीजन के बारे में मैंने अभी बताया था 6 प्लस होगा, यहां 16 होता है जो कि 4 यूनिट्स होगा, और ये टोटल क्वांटिटी 2 टाइम्स होगी। तो रिजल्ट कितना होगा, चलिए कैलकुलेट करते हैं। इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है 196 ग्राम्स, ग्राम यूनिट ही पुट करेंगे। अब एक बात क्वेश्चन में सोच के बताइए, हमारे पास जब कॉपर सल्फेट की क्वांटिटी 63.5 थी, तब इस कॉपर की क्वांटिटी 63.5 थी, तो कॉपर सल्फेट बनाने के लिए 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट बन रहा था, जिसके लिए 196 ग्राम लग रहा था, राइट? तो अभी क्वेश्चन है कि 1.28 ग्राम होने पे ये कितना लगेगा हाइड्रोजन सल्फाइड, तो यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम लोग इसको ले लेते हैं वाई। अब दोबारा आपको दिख रहा है ना कि ये है, यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क आ रहा है वाई पे, तो मैं वाई को कैलकुलेट करूंगा। और हमें प्रोडक्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, रिएक्टेंट्स पे ही काम करना है। 63.5 के रेस्पेक्ट में 196 लग रहा है, तो 1.28 के रेस्पेक्ट में कितना लगेगा। इस क्वेश्चन का जो खासियत था वो यही था कि हम लोगों ने नोटिस की पिछले क्वेश्चन में कि रिएक्टेंट में से एक चीज एक एलिमेंट था और दूसरा जो एलिमेंट या कंपाउंड था वो प्रोडक्ट में से था, एक रिएक्टेंट का पार्ट आता था एक प्रोडक्ट का आता था। लेकिन ऑलवेज ऐसा नहीं होगा, कभी कभी आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि रिएक्टेंट के साथ रिएक्टेंट के बारे में ही पूछ ले, जैसे इस क्वेश्चन में कि रिएक्टेंट अगर 63.5 ग्राम्स है तो 196 ग्राम्स लग रहा है, बताइए 1.28 में कितना लगेगा। तो हम लोग जैसे जानते हैं सिस्टम के हिसाब से ये हमारा न्यूमरेटर बनेगा जिसको पूछा उसके ऊपर वाला, और ये हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 196 डिवाइडेड बाय 63.5 एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द गिवन क्वांटिटी दैट इज 1.28, और आपको इसको करना है कैलकुलेट। जो भी कैलकुलेट करके रिजल्ट आएगा वो होगा आपका आंसर, उतना ग्राम होगा यूनिट। तो इस सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोगों ने सीखा कि कभी कभी रिएक्टेंट के साथ आपको क्वेश्चन में रिएक्टेंट पे रिएक्टेंट ही पूछ दे और आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई होप कि मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल समझा पाया हूं। तो चलिए बढ़ते हैं अब इस वीडियो के लास्ट पार्ट में, जहां पर हम वीडियो को कंप्लीट कर देंगे थर्ड एग्जाम्पल के साथ। थर्ड एग्जाम्पल भी लगभग इसी तरह का है लेकिन कुछ डिफरेंसेस है, चलिए समझते हैं उस चीज को। सो वी आर रेडी विद द थर्ड एग्जाम्पल। नाउ थर्ड एग्जाम्पल सेज 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। नाउ दिस सीम्स रियली वेरी इजी कि हमारे पास दो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट्स क्या क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इन दोनों को रिएक्ट करवाना है और क्या शेक करना है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो इट सीम्स वेरी इजी, अगर केमिकल इक्वेशन आपको पता है केमिकल का रिएक्शन तो आप इजीली कर सकते हो। चलिए सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाते हैं एग्जांपल नंबर 3 का। कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, CaCO3 और इसके साथ HCl आपको लेना है, तो ये आपके हो गए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट बनेगा इक्वल्स टू के बाद। जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो है CaCl2, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड क्लोरेट, इसके साथ वाटर H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए क्वेश्चन कहा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 10 ग्राम है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्वेश्चन है, तो ये क्वांटिटी है और
आपको नोट करना है इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड. सो इट सीम्स वेरी इजी, एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट एग्जांपल नंबर वन, इजंट इट? बहुत आसानी से बन जाएगा. इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट समझते हैं, वही है इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन कहता है कि जो CO2 बनेगा उसके कितने अणु, कितने एटम्स बनेंगे. ओके, तो वो कितने एटम्स फॉर्म होंगे ये इस क्वेश्चन में आंसर देना बड़ा इंपॉर्टेंट है. लेकिन उससे पहले केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए, इसलिए HCl के पहले हम लोगों को 2 पुट करना पड़ेगा. ये होगा बैलेंस केमिकल रिएक्शन. अगर आपके पास बैलेंस केमिकल रिएक्शन है तो चलिए इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट तो बड़ा ही ईजी लग रहा है, जिसमें आपको सिर्फ चाहिए एटॉमिक नंबर्स. कार्बन के केस में अब कैल्शियम से स्टार्ट करते हैं. आपको पता है कैल्शियम यहाँ पर फर्स्ट है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 14. कार्बन के केस में ये होगा 12 और ऑक्सीजन 3 यूनिट्स दिख रहा है, 16 × 3. टोटल रिजल्ट कितना आएगा? मैंने कैलकुलेट कर रखी हुई है, मैं एक बार में रिजल्ट लिख देता हूँ, 100 grams. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पे काम करते हैं. कार्बन हमारे पास कितना है? 12. ऑक्सीजन कितना है? 16, 2 टाइम्स. रिजल्ट कितना होगा? रिजल्ट है सिंपल 44 grams. 44 ग्राम में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन में ग्राम दिया हुआ था, बोला है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 10 ग्राम है, ये 10 ग्राम दिया गया है, पूछ रहा है ये कितना होगा. सो इट साउंड्स वेरी इजी, इजंट इट? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो था कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इट लाइक दिस ना. x इज इक्वल्स टू x के ऊपर वाला क्वेश्चन है, यानी 44/100 × 10. 44/100 × 10, 10 विल बी कैंसिल्ड एंड इट इज गोइंग टू बी 4.4 ग्राम. फर्स्ट क्वेश्चन इज डन. लेकिन जो इसका सेकेंड पार्ट है, चलिए उस क्वेश्चन के आंसर देते हैं. मैंने जब अपना फर्स्ट पार्ट का वीडियो जो कि मैंने पिछले क्लास में करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था अबाउट एवोगाड्रोस नंबर 6.023 × 10³. वो नंबर आपको बताता है कि अगर आप किसी एक गैस के एक एटम को लें तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो. ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है, चलिए कैलकुलेट करते हैं. अब एक मॉलिक्यूल लिया जाए तो उसमें 6.023 × 10³ होता है. ठीक है, और एक मोल में आपको कितना ग्राम्स दिख रहा है? 44 grams. इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है कि कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, मैं उस पर काम कर रहा हूं, कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे. तो हम लोगों को पता है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जब आप लोगे तो यहां पर जो आपका नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो होंगे 6.023 × 10³. यही है एवोगाड्रोस नंबर. तो एवोगाड्रोस नंबर क्या बोलता है कि आप एक मोल लोगे तो उसमें कितना होगा, इतना होगा मॉलिक्यूल्स. तो हम लोगों से क्या क्वेश्चन पूछा गया, हमारे पास क्वांटिटी कितनी है? 4.4 ग्राम. इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो हम लोग पहले 1 ग्राम CO2 में निकाल लेंगे. आपको पता है जब आप रिड्यूस करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 6.023 × 10³ / 44. और फिर आपको क्या करना होगा, जो क्वांटिटी निकालनी है यानी 4.4, तो आप इसको जब क्वांटिटी बढ़ा रहे हो तो मल्टीप्लाई करोगे, तो इस CO2 के लिए क्या हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी 6.023 × 10³ / 44 एंड मल्टीप्लाइड बाई 44/10, क्योंकि 4.4 था. अब ये 44 इसको सिंपली कैंसिल करेगा और ये जो 10 है यहाँ 10³ को कैंसिल करके 10²² कर देगा, क्योंकि एक रिड्यूस हो जाएगा. अगर आपको समझ नहीं आया तो क्लास 9 का लॉज ऑफ इंडिसेस सोचिए, 10²³ है, यहाँ 10¹ है, सब्सट्रैक्ट हो गया 10²², तो रिजल्ट कितना हो गया, 6.023 × 10²² इतने मोल्स, इतने अणु बनेंगे. ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया, मोल पे कितने मोल्स बनेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है. तो आपको ये नोटिस करना है कि जो भी आपके पास यहां बन के आ रहा है इस मोल को बनाने के लिए, ठीक है, इस मोल को बनाने के लिए आपको लग रहे हैं 44, मतलब इतने ग्राम के साथ आपको जो वैल्यू मिल रही है वो 6.023. कार्बन डाइऑक्साइड पे क्वेश्चन था इसलिए मैंने उसे किया. अगर यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होता तो हम लोग उस पर करते, एंड सो ऑन. अगर आप लोग इस तरह के माध्यमिक के क्वेश्चंस को जानना चाहते हैं तो पार्ट 6 में हमसे मिलिए, जहां पर हम माध्यमिक के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस से जो माध्यमिक में आए हुए हैं उनको हम करेंगे. ये था हमारा आज का क्लास और हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिए ये 3 एग्जांपल्स. और इसके साथ उम्मीद करते हैं आप लोगों को मास मास रिलेशन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस थे समझ आ गए होंगे. हम मिलेंगे अपने अगले पार्ट में, जहां पर मास वॉल्यूम रिलेशन पर क्वेश्चंस करेंगे पार्ट 3 में. अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमें सपोर्ट करें. अगर आपको अभी तक ज्वाइन बटन के बारे में नहीं पता है तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके ज्वाइन बटन वाली वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको ज्वाइन बटन के बारे में समझ में आएगा. तो चलिए इसी के साथ हम आज अपना क्लास एंड करते हैं. अगर वीडियो पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक करना ना भूलें और कमेंट कर दें कि क्या प्रॉब्लम है जिन्हें हम इम्प्रूव करें. थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.